अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोमाना और आज हाजिर हुई हूँ नई रेसिपी के साथ। और आज मैं बना रही हूँ प्रॉन्स बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए हम लोग ने ये सब लिए। 1 किलो हम लोग झींगा लेंगे, पौना किलो बारीक कटी हुई प्याज लेंगे, आधा किलो बारीक कटा हुआ टोमेटो लेंगे, यह हाफ टेबल स्पून हम लोग बरीसो पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून हम लोग हल्दी पाउडर लेंगे, 4 टेबल स्पून यहाँ पर हम लोग मिर्ची पाउडर लेंगे, ये 1 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला है, और ये 1 टेबल स्पून हम लोग ज़ीरा पाउडर लेंगे, 2 चम्मच हम लोग नमक लेंगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से नमक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ली। ये 4 टेबल स्पून हम लोग धनिया पाउडर लेंगे, 200 ग्राम हम लोग दही लेंगे यहाँ पर, और ये 4 टेबल स्पून हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे भर के, और ये कुछ साबुत गरम मसाले लियो, जैसे 2 तेज़पत्ते हैं, और ये 1 बड़ी इलायची है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 10 से 12 काली मिर्ची है, और 2 लौंग है, और 1 जावित्री का टुकड़ा है। ये मैंने यहाँ पर अब ये बिरयानी मसाला लियो 1.5 टेबल स्पून। हम लोग ये सिंधी बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं, इस ब्रांड का। आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 बड़े चम्मच तेल लियो, और 3 बड़े आलू लियो, और ये 1 किलो बासमती चावल लियो। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें एक बर्तन रखेंगे गैस के ऊपर, और इसमें 8 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोग ने ये जो साबुत गर्म मसाले लिए हैं ना, वो डालेंगे। हम लोग कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे इसमें, इनको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। इसके बाद हम लोग प्याज डालेंगे। प्याज को हम लोग तब तक सॉटे करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। जब तक हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है तब तक हम लोग है ना यहाँ पर आलू फ्राई करके ले लेंगे। मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा नमक लगा के रखी हूँ, अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। अब हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे टोमेटो। प्याज देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो ये अब हमारा प्याज अभी गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसमें से हम थोड़ा सा प्याज निकालेंगे गार्निशिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये पूरा इसका कलर है ना पूरा गोल्डन होना चाहिए। जैसे इसका प्याज को हम लोग जितने अच्छे से भुनेंगे ना उतना अच्छा बिरयानी को कलर आएगा। तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसमें हम प्याज ये टोमेटो डाल देंगे। और अब हम टोमेटो को भुनेंगे प्याज के साथ। अच्छे से भुनेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनेंगे, और फिर इसके पूरा एकदम पूरा जो ये टोमेटो दिख रहे हैं ना ये पूरा पिघल जाएगा, तब तक इसको अच्छे से भुनेंगे। और जब ये अच्छे से भुन के हो जाएगा तो इसमें आगे हम लोग झींगा डालेंगे, लेकिन तब तक पहले हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। 15 से 20 मिनट लगेगा इसको भूनने के लिए। ये हमारे टोमेटो अभी अच्छे से फ्राई हो रहे तब तक हम लोग, और यहाँ पर हमारे पोटैटो भी फ्राई हो रहे हैं तब तक हम लोग यहाँ पे पानी रखेंगे। चावल उबालने के लिए पानी लगता है, उसको उबालने के लिए यहाँ पे पानी रखेंगे। अभी हमारा टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है प्याज के साथ, अब हम इसमें ये झींगा डाल देंगे, और अब झींगे को इसमें 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसकी कच्ची स्मेल जाने तक इसको फ्राई करते हैं, 5 मिनट लगेगा। ये जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम लोग ने ये आलू भी है ना यहाँ पे फ्राई करके निकाले हुए,
देखिए इस तरह से फ्राई किया हम लोगों ने इसको। अभी झींगा मैंने अच्छे से 5 मिनट तक भून लिया क्योंकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाएगी। अब इसमें हम लोग ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मिलाएंगे। इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे और बाकी के सब मसाले डाल देंगे। नमक है, गरम मसाला पाउडर, बरीसोप पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये जो मिर्ची लिए थे हम लोग ने 4 टेबल स्पून वो डाल देंगे इसमें। हम लोग सब मसाले एक साथ डालेंगे, दही भी साथ में डाल के इसको बिरयानी मसाला पाउडर ये अभी हम लोग थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा बाद में डालेंगे। अब इसको अच्छे से बारीक आंच पे हम लोग इसको पकने देते हैं, तेल छुपने तक इसको पकने देते हैं बारीक आंच पे। ये जो फ्लेम है ना इसको मीडियम टू लो कर देने का, एकदम स्लो आंच पे हम इसको ढक्कन लगा के पकने देते। अभी हमारा मसाला अच्छे से भून गया है और तेल भी ऊपर आ गया, सरफेस पे आ गया। तो ये जो बचा हुआ जो बिरयानी का मसाला है ना जो मैंने बचाई थी थोड़ा सा, वो अब इसमें डाल देते हैं। इसको एक मिक्स दे देंगे और फिर से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक्कन बंद करके रख देंगे। जब तक अभी अब हमारा ये मसाला रेडी हो रहा है, मतलब सब पूरा तेल सरफेस पे आ जाएगा, तब तक हम लोग चावल बना लेते हैं। ये चावल का पानी मैंने रखी थी तो अभी इसमें बॉईल आ रहा है, तो इसमें बॉईल आने के बाद इसमें ये पुलाव पत्ती है वो डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, ज़ीरा और 3-4 काली मिर्ची और लौंग डालेंगे और 2 चम्मच ये तेल डालेंगे इसमें, 3 चम्मच ये नमक डालेंगे इसमें। हमारे पानी में देखिए अच्छे से बॉईल आ गया है। तो ये आधा घंटा पहले मैंने भिगो के चावल रखी थी, बिरयानी के चावल है, अब हम इसमें डाल देंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक, मतलब 90% कुक होने तक पकाएंगे। हम इसको पूरा नहीं कुक करेंगे, 90% तक कुक करेंगे और 10% दम पे पकाएंगे इसको। अब देखिए ऐसे बॉईल आ गया है, ये हमारा चावल अभी 90% तक कुक हो गया। ऐसे बॉईल आना चाहिए चावल को, ये देख लीजिए मैं आपको बता रही हूँ 90%, मतलब कैसे एक कनी बाकी रहेगी ऐसे। हमारा चावल अच्छे से 90% तक कुक हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और चावल को छान लेते हैं। अब ये ऑयल अच्छे से सरफेस पे आ गया है तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हम गैस को करते हैं बंद। हमारा मसाला भी हो गया रेडी और चावल भी हमारे अच्छे से बॉईल हो गए। अब हम इसकी बनाएंगे बिरयानी, एक लहर की बिरयानी बनाएंगे। नीचे हम लोग सबसे पहला यहाँ पर 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसके बाद इसमें 1/3 चावल का डालेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे, फिर उसके ऊपर से 1/3 चावल डालेंगे और हम इसकी बिरयानी दम पे लगाएंगे। अब हम थोड़ा कलर से गार्निश करेंगे इसको। पेपर से कवर की हूँ और इसको आधे घंटे के लिए हम दम पे रख देंगे। जब हमारी बिरयानी दम पे आ जाएगी तो उसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना।
गाइस बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। गाइस हमारी प्रॉन्स बिरयानी सर्व हो चुकी है गर्मा गर्म, अब मैं भी खाती हूँ। दिखने में तो बहुत यम है, आप भी अपने घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है। तब तक मैं चलती हूँ, अब आपको मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक और कमेंट करना ना भूलें।